आज हम आ पहुँचे हैं फॉरेस्ट में और सामने ये देखिए दो जमुनापारी गोट पालने वाले चरवाहे हैं, एक भैया लाल ऐलानी और नरेंद्र भगत। इन्होंने किसी को ऐलान नहीं दिया है, लेकिन गांव में ये रिवाज होती है कि सबके दो नाम निश्चित रखे जाते हैं, तो इनका भी नाम रख दिया गया है ऐलानी। और इसके बाद हम मिलेंगे लाला बाबा से और जानेंगे जमुनापारी बकरियाँ कौन कौन सा चारा खाती हैं। वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। आइए। नरेंद्र सिंह, आपका? हमारा लाला बाबा। क्या करते हो दोनों लोग? बकरियां चराओ। दोनों लोग बकरियां चराते हैं। कहाँ है बकरियाँ? हमें निकाल कर खड़े गए। दिखवाओगे आप मुझे? बिल्कुल। चलिए आइए। इन झाड़ियों में चलना बहुत ही खतरनाक और रिस्की होता है, खास तौर से यहाँ कांटे बहुत हैं और इनमें सांप बिच्छू और जंगली जानवर का भी भय रहता है। और इन्हीं झाड़ियों से हम आपको ये वीडियो शूट करके दिखा रहे हैं। ये देखिए जमुनापारी बकरियाँ चरती हुई। ये देखिए ये चारा होता है चंबल के बीहड़ों में, और इसी वजह से ये बकरियां सिर्फ चंबल के बीहड़ में ही मिलती हैं, अन्य जगहों पर नहीं। विशेष रूप से चकरनगर इटावा जिले की जो तहसील है वहाँ के आसपास के गांव में ये बकरियाँ खूब पाली जाती हैं और दूध भी अच्छा देती हैं और कीमत भी अच्छी होती है। ये देखिए शुद्ध जमुनापारी बकरी। ये देखिए कौन कौन, ये देखिए हींस की पत्ती, ये उसका मुख्य भोजन होता है। हींस, रौंज, हिंगोट और करील। जमीन पर उगी घास बहुत ही कम प्रीफर करती हैं, सिर्फ गर्मियों के समय में। और इनके चारे के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं यहाँ पर, जो जमुनापारी बकरियाँ एक लंबे अरसे से पाल रहे हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन चंबल के बीहड़ में ही खपा दिया है। आइए उन्हीं से मिलते हैं इस बकरी के चारे के बारे में। ये देखिए बकरियों का एक झुंड, इनको ये लोग गोल बोलते हैं, और ये चरती हुई हमको देख करके ये भागने लगे। चलो सबसे पहले हम अपने गांव के नरेंद्र भगत जी से मिलाते हैं और ये बताएंगे जमुनापारी बकरी। ले आइए भाई, आपकी कौन सी बकरी है? तो भाग जाओ। ये देखिए इस तरीके से जमुनापारी बकरी चंबल की कटीले और झाड़ीदार पौधों पर अखद करके चढ़ती है, और ये चरवाहे तरीके से ये बकरियां बीहड़ में पौधों पर चढ़ करके चढ़ती हैं और खूब इनमें इनको खाना मिलता है। ये देखिए, दिखाइए इधर पास से, क्या ये नर है मादा? नर है। बकरी है? बकरा? बकरी तो नर नहीं है, तो मादा है। क्या, क्या? अच्छा अच्छा आइए पहले इन्हीं से पूछ लें थोड़ा सा, इस बकरी की कीमत क्या रही होगी अंदाज में? इसकी कम से कम 40,000 रुपए। अच्छा, क्या खासियत होती है कि जमुनापारी बिहाड़? ये बड़े कान शौक के लिए बार पाल्टी ले जाती हैं खरीद करके। अच्छा, क्या पहचान है इसकी? बड़े कान इसके जो है। दिखाओ कान पास से। ये देखिए इसके लोबुलेटेड काफी लंबे कान जो गर्दन के नीचे तक लटके होते हैं, लगभग 10 से 12 इंच लंबे कान और छोटे सींग होते हैं। और मुंह की क्या पहचान होती है? मुंह से आगे, अबे तो ये बच्चा है, आगे जो है इनके मुंह पे बाल निकल आते कौआदार लटके हुए, और जो है इनकी जो है दूध के लिए इनके बच्चे अच्छे बिकते हैं। कितना दूध देती है एक बार में ये? कितना दूध देती है एक बार में? एक बार में करीबन ऐसा 1.5 लीटर, देसी बकरी हो 2 लीटर। एक दिन में 3 लीटर तक? 3 लीटर दूध। क्या रेट बिकता है? दूध ऐसे 35-40 रुपए लीटर। अच्छा, आपने खाया है? हाँ। कैसा लगता है? खाने में स्वादिष्ट है। अच्छा, बेचते भी हो?
नहीं नहीं, बच्चे पीते हैं। इसके बच्चे? बच्चे पीते हैं। हम आपको बताएंगे कौन सा वो पौधा है जिसको जमुनापारी बकरी सबसे ज़्यादा खाना पसंद करती है। ये पौधा है रौंज का, जो झाड़ी नुमा होता है और इसमें बड़े बड़े कांटे। इसकी पत्तियाँ गूदेदार हल्की सी, और चैत के महीना में नई पत्तियाँ जब आती हैं तो लोग उसको ओंक करके खिलाते हैं। रौंज को जमुनापारी बकरी खाना बहुत ही पसंद करती है। यही वजह है कि ये बकरी चंबल के बेड़ों में खूब पनपती है, क्योंकि वहाँ पर रौंज के पौधे बहुत ज़्यादा हैं और उसकी पचा या सेंगरी को खाना पसंद करती है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।